जी स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर आई होप आप सब खैरियत से होंगे और कंप्यूटर uh, साइंस पे आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं और आपको प्रॉब्लम ना हो तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मेमरी यूनिट्स पे है कंप्यूटर साइंस में मेमरी यूनिट्स बहुत ज़रूरी होती हैं और ये बार बार आती हैं और इसमें एम आ जाते हैं अगर आप देखा देखें नाइन्थ टेंथ में भी मेमोरी यूनिट्स के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चनस भी आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपने मेमोरी यूनिट्स को जितने भी हैं इन सबको ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है सीक्वेंस में ऐसे लिखना हो सकता uh, है, है, um, है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ लेता है कि मेगाबाइट जो है उसमें कितनी किलोबाइट्स कितनी होती हैं या फिर गीगाबाइट के अंदर मेगाबाइट्स कितनी होती हैं तो अगर आपका कॉन्सेप्ट uh, क्लियर होगा तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए आसानी होगी कि आप उसको आंसर कर सकें ओके okay, तो आज का जो हमारा लेक्चर उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाले जो वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सकें उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आपकी हेल्प हो सके और हमारी भी हौसला अफजाई हो सके तो आ, स्टार्ट करते हैं वीडियो को हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है ठीक है तो उसमें उसको स्टोर करने के लिए जो सबसे छोटा यूनिट होता है जो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर हो सकता है ये तो आपने क्लियर रखना है ना कि वो बिट होता है बिट यानी जीरो और वन कंप्यूटर जो है उसकी लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज ये तो छोटी सी बात है और सबको पता है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को ये पता होना तो लाजमी है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म जो है डाटा की उसको स्टोर करता है उसको समझ वही आती है क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है ठीक है तो अभी बात हम कर रहे हैं मेमोरी यूनिट्स के ऊपर तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है मेमोरी का जो कंप्यूटर स्टोर कर सकता है अपनी मेमोरी में वो बिट होता है बिट यानी डाटा जो है वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में है ओके और फिर हम आगे देख लेते हैं मेमोरी यूनिट्स मेमरी यूनिट्स में अगर हम सीक्वेंस के साथ देखें तो सीक्वेंस कुछ ऐसे बनता है सबसे छोटा मेमरी यूनिट हमारे पास बिट है उसके बाद हमारे पास बाइट है अब हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है वो गेम के जैसा है अब आप मेरे साथ अगर देखें बाइट बाइट के बाद हमारे पास आ रहे हैं किलो मेगा गीगा टेरा टेट्रा ठीक है टेट्रा के आगे भी है वैसे मेमो यूनिट्स लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो भले पचास यूनिट्स आ जाए हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो पहले तो ये सीक्वेंस देख लेते हैं किलो मैगा गीगा टेरा टेट्रा ये मैंने काफ़ी साल पहले जो है ना ये कॉन्सेप्ट बनाया था और अभी भी मुझे गूगल सर्च नहीं करनी पड़ती मुझे बार बार बुक्स नहीं खोलनी पड़ती क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ठीक है तो ये याद रख लेते हैं किलो मैगा गीगा टेरा टेट्रा ओके okay, और किलो के आगे बाइट लगा दें सबके आगे बाइट लगा दें तो हमारे पास जो है मेमोरी यूनिट बन रहे हैं अब हम देख लेते हैं जी कि एक बाइट जो है वो इक्वल होती है एट बिट्स के यानी बिट क्या है सबसे छोटा यूनिट है कंप्यूटर का जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो सकता है ये क्लियर हो गया उसके बाद हम देखते हैं कि जब एट बिट्स मिलती हैं एट छोटे छोटे यूनिट्स मिलते हैं तो वो एक बड़ा यूनिट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जी ये बाइट है जो कि हम कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा स्टोर कर सकते हैं एट बिट्स का जो डाटा है वो एक बाइट कहलाएगा क्लियर हो गया उसके बाद मज़े की जो गेम वाली बात है ना वो अब स्टार्ट हो रही है कि वन ज़ीरो टू फोर बाइट्स मिलती हैं तो एक किलो बाइट बनती है ठीक है और वन जीरो टू फोर किलो बाइट्स मिलती हैं तो वन मेगाबाइट बनती है इसी तरह वन जीरो टू फोर मेगाबाइट्स मिलती हैं तो एक गीगाबाइट बनती है मज़े की बात है मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है ठीक है इसी तरह हम वन जीरो टू फोर मिलेंगी तो एक जो है वो टेराबाइट बन जाएगी और ऐसी टेराबाइट्स मिलेंगी तो वो टेट्राबाइट बन जाएगी क्लियर हो गया अब ये बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है इसको जहन में रखें और इस पर थोड़ा सा ब्रेन स्टॉम करना पड़ेगा आपको क्योंकि गेम है आपको याद रहेगी ठीक है।, है पहले तो अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर इनके नेम्स याद कर लें किलो मेगा गीगा टेरा टेट्रा ओके और ये क्लियर रखें कि बिट जो है सबसे छोटा यूनिट है कंप्यूटर की मेमोरी में जो स्टोर हो सकता है उसके बाद बाइट जो होती हैं एट बिट्स मिलके एक बाइट बनाती हैं उसके बाद हमारा जो गेम है वो स्टार्ट हो जाता है किलो मेगा गीगा टेट्रा सॉरी गीगा टेरा और उसके बाद टेट्रा ठीक है और सबके आगे बाइट लगा दिया किलो बाइट टेट्रा बाइट और सारी बाइट्स बन गई उसके बाद हमें पता है जी वन जीरो टू फोर बाइट्स मिलेंगी तो एक किलो बाइट बनेगी वन जीरो टू फोर किलो बाइट्स मिलेंगी तो एक मेगाबाइट बनेगी और इसी तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट नीचे तक चलता जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गॉड ब्लैस यू